विपक्ष है जो सरकार बनने के बाद से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र लगे हुए थे और यह षड्यंत्र की पनडुब्बी जो पानी में डूब डूब करके काम कर रहा था, ऊपर आने की ताकत नहीं रख रहा था, आज उस पनडुब्बी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा चुनाव आयोग महीनों पहले राज्यपाल महोदय को अपना मंतव्य दे चुका है, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी तक उस लिफाफा को उन्होंने नहीं खोला। मुझे लगता है कि वो भी किसी समय का इंतजार कर रहे थे। और आपने सुना है, पूरे देश के खबरों में चला, महामहिम ने दूसरा मंतव्य चुनाव आयोग से मांगा है जो बिल्कुल ही असंवैधानिक था। और जब हमने इसकी जानकारी चुनाव आयोग से लिया तो पता चला कि महामहिम ने कोई दूसरा मंतव्य नहीं मांगा। जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। आज मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं और जिस तरीके से समन की कार्रवाई चल रही है लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग हैं। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हों। और आज कहीं ना कहीं ऐसे कार्रवाई से राज्य में एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। मुझे बुलाया गया है और इस संदर्भ में भी मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है जो आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा कि किस तरीके से 1000 करोड़ का घोटाला के बारे में जो जिक्र आया है साहिबगंज जिले से, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सालाना भी अगर हम देखें पूरे राज्य में स्टोन चिप से 1000 रुपए की आमदनी भी नहीं होती। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।